विवाहित आदमी के लिए मामूली बेटी को मना करने से मना कर दिया। शिकायत में 9 लोगों का नाम दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि 4 आरोपियों को इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली परिवार के हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक परिवार के 5 सदस्यों की कथित हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने शादीशुदा पुरुष से अपनी नाबालिग बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया। 14 मार्च को हुई घटना ने प्रकाश में आया था क्योंकि उनके विघटनकारी शव पास के जंगल से बरामद किए गए थे। विवाहित पुरुष को नाबालिग बेटी की शादी करने से इनकार करने के लिए 5 लोगों की मौत, 9 लोगों पर आरोप लगाया गया है। एक गिरफ्तार कर लिया जबकि अन्य भाग गए हैं। विघटनित निकायों को पास के जंगल में फेंक दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किरीब्रू तौकीर आलम ने बताया कि 14 मार्च को राम सिंह सिरका, उनकी पत्नी पिनुकुई, बेटी रामभा 17 और पुत्रों कांदे 12 और सोनिया 8 को हत्या कर दी गई थी। शिकायत में 9 व्यक्ति का नाम रखा गया है और पुलिस ने उनसे कहा कि 4 अभियुक्त इस क्षेत्र के एक प्रभावशाली परिवार के हैं। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस को यह संदेह है कि अन्य लोग राज्य से भाग गए हैं। राम सिंह सिरका का विघटित शरीर 27 फरवरी को गु पुलिस स्टेशन के तहत तुलसाई गांव में अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर जंगल से मिला था। अन्य 4 की शव 5 किलोमीटर दूर के एक अन्य जंगल से बरामद किए गए थे। एक अभियुक्त राम भाई से शादी करना चाहता था लेकिन उसके पिता ने यह स्वीकार नहीं किया कि वह शादीशुदा था। इनकार पर गुस्सा, वे घर पर नहीं था जब उन्होंने श्री सिरका के परिवार के सदस्यों को चरूर तेज हथियारों के साथ मार डाला। उन्होंने जंगल में निकायों को फेंक दिया और सिरका के घर वापस जाने के लिए इंतजार किया। जब उन्होंने किया, उन्होंने उसे भी मार दिया और अपने शरीर को फेंक दिया।